अच्छा लगा। तो हम फटाफट निकलते हैं नहीं तो हो जाएगी देर। हे गाइस, वेलकम टू चैनल माही ध्रुव रॉकर्स। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए न्यू व्लॉग लेके आ चुके हैं। तो अभी तो मैं नाइट सूट में हूँ क्योंकि अभी हम कहीं बाहर जाने वाले हैं घूमने के लिए, क्योंकि है आज 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को है बच्चे की छुट्टी। तो बच्चों को चाहिए था कि मम्मा अब छुट्टी पड़ी है तो हमें कहीं घूमने तो जाना चाहिए। तो आज हमने सोचा चलो बच्चों को कुछ सरप्राइज़ देते हैं, बच्चे चलेंगे बाहर, कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे, कुछ खरीद लेंगे, देखते हैं और क्या क्या होने वाला है। और आपको भी अगर देखना है कि आगे क्या क्या होने वाला है तो उसके लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अभी वो दोनों गए नहाने के लिए, नहा के जैसे ही आते हैं रेडी होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ और कंटिन्यू करती हूँ। तब तक के लिए A few moments later. फ्रेंड्स, माही हो चुकी है रेडी। माही ने क्या पहना है? पिंक कलर का कुर्ता और लेगिंग पहनी है ब्लू कलर में, अच्छी लग रही है। अभी कॉम कर लो फटाफट, क्रीम लगा लिया आपने? देखो गीली टॉवल वहाँ पे रख दिया, अपना बाथरोब भी वहाँ पे रख दिया है। टांगते नहीं है लोग क्योंकि इसका हुक बहुत ऊपर है इसलिए टंगता भी नहीं इनसे। चलो भाई, ध्रुव कहाँ है? पापा कहाँ हैं? पापा पापा कहाँ हैं? ये देखो ध्रुव भी रेडी हो गया है। ध्रुव ने पहनी है ब्लू शर्ट जो कि मैंने इसकी न्यू मंगवाई थी, ये अभी थोड़ी सी इसको लूज हो रही है। और डैडी कर रहे हैं अभी काम। डैडी काम कर रहे हैं अभी? ओहो चलो ठीक है, जब तक डैडी काम कर रहे हैं आप लोग हाँ पेट कर लो, मैं भी नहा लेती हूँ फटाफट, फिर रेडी होते हैं। A few inches later. Hi friends, तो हम दोबारा से आ चुके हैं अपनी वीडियो के अंदर, रेडी हो चुके हैं। मैं तो रेडी खास नहीं हुई क्योंकि मेरे को बच्चों की मम्मी बनके जाना पड़ता है। तो बच्चे रेडी हो चुके हैं, कैप लगा लिया ध्रुव ने, हम फटाफट निकलते हैं, अभी टाइम हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है माई? 12 o'clock हो चुके हैं। तो हम फटाफट निकलते हैं नहीं तो हो जाएगी देर, दिन में हमें आना भी है लंच टाइम में। देखते हैं बाहर कहाँ जा रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आज इनके पापा नहीं जा रहे हैं, आज हमें जा रहे हैं क्योंकि इनके पापा को है काम। तो पापा घर में करेंगे काम अपना ऑफिस का और हम लोग जाएंगे चिल मारने के लिए। तो चलते हैं फिर बाहर। A few moments later. सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं रिलायंस मार्ट में, और क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि हम कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, क्योंकि रिलायंस मार्ट के बगल में ही DIY है। तो बच्चों को वहाँ बच्चे बोल रहे थे, बच्चे कहीं भी नहीं जाते, बोलते हैं कि मम्मी यहीं चल लो दो जगह, यहाँ से हमें कुछ भी अच्छा लग रहा है तो हम ले लेंगे, कहीं क्या ही घूमेंगे इतनी दूर। चलो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं रिलायंस मार्ट, फिर इसके बाद जाएँगे DIY में। तो यहाँ पर कुछ क्यूट क्यूट से बैग्स, स्कूल बैग्स थे जो सेल में लगे हुए थे, और सारा सामान जो था काफ़ी मैसअप हो रखा था क्योंकि आई थिंक अभी सेल स्टार्ट होने वाली है दिवाली की, तो सारा कुछ सामान मैसअप हो रखा था। तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया था, बड़े कंफ्यूज हो रहे थे। और माही ध्रुव को स्टेशनरी सामान दिख चुका है और ये वहाँ पर टूट पड़ गए हैं। अब यहाँ पे स्टेशनरी सामान में कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं था, ये तो इन्हें समझ में आ रहा था क्योंकि इसके बाद हमें वहाँ जाना है। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है अभी से देख लेते हैं, लेना तो हमें भाई वहीं से ही है। अब यहाँ पे टॉय सेक्शन था, तो टॉय सेक्शन को बच्चे कैसे छोड़ देंगे? टॉय सेक्शन में ध्रुव कुछ ना कुछ खुरापाती करने लग गया, इसको दिख गया अपना मतलब को कुछ सामान, ये जिद करने लगे मम्मा ले लो मम्मा ले लो, भाई मैंने तो नहीं लिया। अब हम आ चुके हैं DIY में, यहाँ पे आते ही इसको फिर से वहाँ पे गाड़ी छोड़ के आया, यहाँ पे भी एक गाड़ी दिख गई क्योंकि DIY में भी कुछ टॉय का कलेक्शन लोगों ने न्यू है जो रख दिया है। तो इसको गाड़ी दिख गई, अपना खेलने लग गया, मैंने कहा चलो अच्छा है मेरी जान छूटी, कम से कम मैं कुछ भी सामान मेरे को। अब बच्चों को घुमाने के लिए आई हूँ, मैं आई हूँ तो फिर पता ही है ना मम्मी वगैरह आती हैं तो उनको भी कुछ अपना दिख जाता है तो वो भी ले लेती हैं। तो मुझे भी कुछ कुछ दिख रहा था अच्छा, छोटा मोटा, ज़्यादा तो नहीं छोटा मोटा दिख रहा था, तो छोटा मोटा मैं ले लेती थी क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ भी छोटा मोटा दिखता है ना तो आप लिए बगैर नहीं रह सकते, याद ही आ जाता कि हाँ भाई ये भी घर में नहीं है वो भी घर में नहीं है। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से जो थे ये स्टेशनरी के सामान तो नहीं थे, ये थे की चेन हो गई और हो गया। मैं तो शॉपिंग में बिजी थी, मैंने माही को कैमरा पकड़ा दिया था, मैंने बोला बेटा आप जाके अच्छे से शूट कर लो, तो माही ने थोड़ा ब्लरी ब्लरी सा हिलता डुलता वीडियो शूट कर लिया और उसको जो भी सही लग रहा था आइटम वो उठा उठा के आप लोगों को दिखा रही थी। फ्रेंड्स, ये ट्रेंडी ट्रेंड चैनल है मेरा, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पर मेरी जो भी शॉपिंग हॉल से रिलेटेड और फैशन से रिलेटेड शॉपिंग हॉल होते हैं
हैं और होम टूर से रिलेटेड जो भी कुछ होता है तो मैं उसमें अपनी वीडियोस बनाती रहती हूँ। आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, आप एक बार उस पर जाके देख सकते हो। और फिर अब आते हैं हम यहाँ पे, माही अभी आपको दिखा रही है कि यहाँ पे जल्दी जल्दी में क्या क्या आइटम्स मिलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे दिवाली सेल आने वाली है तो काफ़ी न्यू आइटम आए हुए थे। हालांकि हमने पहले भी DIY की वीडियोस बहुत बनाई हुई हैं क्योंकि हम लोगों का फेवरेट प्लेस बन चुका है ये, तो हम लोग कहने जाते हैं यहीं घूम फिर के आ जाते हैं और हमारे घर के ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है। तो नए कलेक्शन आ जाती है तो अच्छा लगता है भाई कि कुछ न्यू आ गया, चलो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, सॉरी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि डेकोरेटिव और स्टेशनरी आइटम जो बच्चों का मेन पर्पस है आने का, तो यहाँ पे वो मिलता है। टॉय सेक्शन भी जो न्यू ओपन हुआ है वो भी यहाँ पे लग चुका है, और दिवाली से रिलेटेड लड़ियाँ वगैरह जो भी हैं, फ़ोटो फ्रेम वगैरह वो भी आ चुके हैं, तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन है स्टेशनरी का जो है, ये माई दिखा रही है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्यूट कलेक्शन आई हुई है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों को लगने लग गई है भूख, और धूप भी अभी मेरे को बीच बीच में बोल रहा था मम्मा भूख लगी है, वाकई मेरे को भी भूख लग गई थी। पहले हम वहाँ गए, स्मार्ट गए, फिर यहाँ पे आए, वो भूख तो लग जाती है। मैंने बोला चलो ठीक है, इसी के पास में बर्गर किंग भी है फ्रेंड्स, जो तीनों ही चीज़ है ना, और तीनों क्या बहुत सारी हैं, अभी हमने उनकी भी वीडियोस बनाई नहीं हुई है, नेक्स्ट व्लॉग में हमें भी शायद हम उनका विज़िट करवाएं आपको, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टोर्स वगैरह खुल चुके हैं, मॉल वगैरह भी खुल चुके हैं। अब हम फाइनली हम लोगों ने मैंने तो डिसाइड कर लिया, बच्चे फिर भी इधर उधर घूम रहे हैं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, तो मैंने फाइनल कर लिया। अब मैं बिल करवाऊँगी थोड़ी देर में और फटाफट जाएँगे बर्गर किंग वहाँ पर खाने के लिए, क्योंकि फिर चूहे पेट में कूदने शुरू हो चुके हैं। और मैं जाते जाते कुछ आइटम्स वगैरह देख ले रही थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं उसमें कंफ्यूज हो रही थी उसके प्राइस में, और मैं लूँ या ना लूँ, और या ऑनलाइन भी मैं परचेस करती रहती हूँ तो मेरे को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ऑनलाइन सही मिल जाता है, मैं यहीं से ले लूँ। अभी ध्रुव ये खेलने लग गया, ध्रुव ने भैया आज बहुत मस्ती की, और मतलब बीच बीच में परेशान कह लो कुछ भी कह लो कि बीच बीच में आकर मम्मा ये मम्मा वो मम्मी ये ले लो मम्मी मैं वो ले लो, मेरा तो चुपचाप माही आराम से मेरे साथ लगी रहती है। लड़कियां सिंसेयर होती हैं थोड़ी सी फ्रेंड्स, आप कमेंट में बताना कि आपका क्या कहना है कि बॉयस नॉटी होते हैं और गर्ल्स सिंसेयर सी होती हैं, छोटी सी होती हैं तभी से बड़ी। वैसे कल ही हमने डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाया। कौन से बर्गर किंग में आए हो, कहाँ पे आए? यहाँ पर नजफगढ़ में। नजफगढ़ को थोड़ा फेमस करते हैं ना। ये हो गया, दिस इज 65 नंबर ऑफ